नमस्कार दोस्त, मैं विकास विश्वकर्मा आप सबका स्वागत करता हूँ विकास स्टडी पॉइंट में। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास ट्वेल्थ का हिस्ट्री, और चैप्टर नंबर आपका 4 है और इसका हम एमसीक्यू करने वाले हैं, ठीक है, जिसको हम कहते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। चलिए स्टार्ट करते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न को। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि टोटल इसमें 25 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, और ये जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन है सब इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से आपको ये प्रैक्टिस करवाया जा रहा है और ये प्रैक्टिस सेट है एक तरीके से आपके लिए। तो हर एक चैप्टर से रिलेटेड 25-25 जो क्वेश्चंस हैं आपके सामने प्रस्तुत किए जाएंगे। बाकी जितने भी चैप्टर्स हैं, जैसे पहला पहला चैप्टर, दूसरा, तीसरा, ये ऑलरेडी हमने डिस्कशन कर लिया है। तो जिन बच्चों को नहीं पता है उन बच्चों को मैं बता दूं, प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में जाके आपको चेक कर लेना है और ऐसे ही आपको प्रैक्टिस करते रहना है। कब? हर रोज, हर शाम 7 बजे आएगा। और आपको पता है 12 चैप्टर हैं आपके, तो 12वें चैप्टर का एमसीक्यू आएगा, हर रोज आएगा, ठीक है। तो आज शाम को 7 बजे तो ये आ ही रहा है, साथ ही साथ कल भी आएगा और परसों, ऐसे कर करके सारे चैप्टर को हम क्लियर कर लेंगे, ठीक है। बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हमने करवा रखा है और सारी चीजें हैं, आपको यहाँ पे देखना है, ठीक है। बाकी अगर चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर वीडियो अच्छी लगती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि सांची के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन कनिंघम के विषय में सत्य नहीं है। किसके विषय में सत्य नहीं है? कनिंघम के विषय में, ठीक है। ये वही व्यक्ति है जिसको एक बार भ्रम हो गया था, किसको लेकर? हड़प्पा सभ्यता को लेकर। और कनिंघम ने हड़प्पा सभ्यता की खोज के बारे में कुछ भी नहीं किया, बल्कि इसके जगह पे जॉन मार्शल के नेतृत्व में राखल दास बनर्जी और दयाराम साहनी ने मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खोज किए थे, ठीक है। तो अभी क्या क्वेश्चन पूछा है कि सांची के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन कनिंघम के विषय में सत्य नहीं है। तो चलिए देखते हैं। पहला पॉइंट लिखा है, कनिंघम ने इस इलाके में कई हफ्तों तक रुककर अवशेषों का निरीक्षण किया, ये बिल्कुल सही है। आगे, इस जगह का इन्होंने चित्र बनाया, सांची का उसने चित्र बनाया ही था। वहां के अभिलेखों को पढ़कर और गुंबदन नुमा ढांचे के बीचों बीच खुदाई की थी, ये भी इसने करवाया था। उन्होंने इस खोज के निष्कर्ष को एक हिंदी पुस्तक में लिखा था, ये चीज गलत है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने हिंदी में नहीं लिखा था। तो जो, क्योंकि इसमें नहीं पूछा है तो जो इसने नहीं किया वही सही होगा। इसका मतलब ये होता है कि ये जो उसने नहीं किया है, इट मीन्स आपको यही ऑप्शन सही लगाना है, क्योंकि ऊपर के जो 3 है उसने वो किया है, लेकिन आपसे नहीं वाला क्वेश्चन पूछा है, इस वजह से इसका ऑप्शन आपका घ वाला राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं दूसरे का। यहाँ पे भी देखिए सेम टू सेम वही क्वेश्चन है कि नहीं वाला क्वेश्चन पूछा है। तो नहीं वाले क्वेश्चन में आपको सिंपल सा ये चेक करना है कि इसमें से कौन सा पॉइंट गलत है, जो पॉइंट गलत है उसी को आपको टिक मार देना है, ठीक है। तो समझते हैं, देखिए क्या लिखा है। महावीर और बुद्ध ने वेदों के प्रभुत्व पर प्रश्न उठाया था, सही बात है। उन्होंने माना है कि जीवन के दुखों से, ठीक है, दुखों से मुक्ति का प्रश्न हर व्यक्ति कर सकता है, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन आपसे यही पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन बुद्ध और महावीर और ब्राह्मणीवादी के अनुसार सत्य नहीं है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा था, तो हमने अभी देखा कि पहला पॉइंट कि महावीर और बुद्ध ने वेदों के प्रभुत्व पर प्रश्न उठाया था। दूसरा हमने पढ़ा कि उन्होंने माना कि जीवन के दुखों से मुक्ति का प्रयास हर व्यक्ति कर सकता है, बिल्कुल सही है। ब्राह्मणवाद बुद्ध और महावीर के विचारों से बिल्कुल भिन्न है, ये भी बात सही है, क्योंकि ब्राह्मणवादी ब्राह्मणों ने लिखा था और बुद्ध और महावीर तो इनके अनुयायियों ने अपना जो भी है वो चीज लिखा था उन्हीं के हिसाब से। तो ब्राह्मणवादियों का यह मानना है कि किसी व्यक्ति का अस्तित्व उसकी जाति लिंग से निर्धारित नहीं होता, बिल्कुल गलत है। इनका मानना है कि होता है, ठीक है, इस वजह से ये पॉइंट आपका गलत हो जाएगा और इसी पॉइंट को आपको राइट करके चले आना है, ठीक है। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बौद्ध शिक्षाओं के विषय में ठीक नहीं है। तो इसको देख लेते हैं। पहला लिखा है कि विश्व अनित्य और लगातार बदल रहा है, ये भी सही है। यह आत्मविहीन है और अस्थायी तथा शाश्वत नहीं, ये भी बात सही है। क्षणभंगुर दुनिया है, ये भी बात सही है, यानी कि घोर तपस्या का मार्ग अपनाकर मनुष्य दुनिया के दुखों से मुक्ति पा सकता है। घोर तपस्या का मार्ग नहीं, इन्होंने कहा था घोर तपस्या का मार्ग नहीं अपनाना है, इस वजह से ये पॉइंट गलत है, और जो गलत है आपको वही सही कर लेना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चनों को जांच करनी है। आगे बात कर लेते हैं, अगला क्वेश्चन लिखा है कि सूत पिटक में बुद्ध ने सिगल नाम के एक अमीर व्यक्ति को सलाह दी थी, निम्नलिखित में से कौन सा सलाह
उसमें शामिल नहीं है, तो हमें ये बताना है। तो पहला पॉइंट लिखा है कि नौकरों तथा कर्मचारियों को उसकी क्षमता के अनुसार काम दे, ये उसने बोला था, मतलब उन्होंने बोला था। उन्होंने भोजन तथा मजदूरी दे, ये भी बोला था उन्होंने। बीमार पड़ने पर उनकी परिचर्या करें, मतलब उनके बारे में, उनके बारे में पूछे, उनका देख रेख करें, ये भी सही है। नौकरों तथा कर्मचारियों को समय समय पर धन से सहायता करें ताकि वह एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सकें, ठीक है। ये जो पॉइंट है ये गलत है, और जो गलत है वही चीजें सही है, ठीक है। आगे बात करते हैं, बौद्ध धर्म के अंतर्गत कुल के लोगों को श्रमण किसे कहते हैं, जिन्होंने सांसारिक जीवन को त्याग कर दिया उनको श्रमण कहते हैं, ठीक है। तो बौद्ध धर्म के अंतर्गत कुल के लोगों को श्रमणों की विभिन्न प्रकार से देखभाल करनी चाहिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार इसमें सम्मिलित नहीं है, ठीक है। तो कौन कौन सा नहीं है तो इसमें देख लेते हैं। पहला लिखा है कर्म से, दूसरा लिखा है वचन से, तीसरा लिखा है मन से अनुराग, और चौथा लिखा है उनके स्वागत में हमेशा घर बंद बंद रखें। ये पॉइंट गलत है, और जो गलत है वही सही हो जाएगा। चलिए जी नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अगला लिखा है 6th क्वेश्चन कि किसने शाहजहां बेगम से उसके अच्छी हालत में बचे स्तूप, सांची के स्तूप के पूर्वी तोरण द्वार को अपने देश के संग्रहालय में प्रस्तुत करने की इजाजत मांगी थी। तो किसने मांगी थी, फ्रांसीसियों ने मांगी थी, इसलिए ख पॉइंट यहाँ पे राइट हो जाएगा। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से सांची के स्तूप के रख रखाव के लिए धन अनुदान दिया था, किसने धन अनुदान दिया था, तो शाहजहां बेगम ने दिया था, ठीक है। आगे बात करते हैं 8वां, निम्नलिखित में से किसने सांची में रहते हुए सांची के स्तूप को महत्वपूर्ण ग्रंथ का निर्माण किया था, तो किसने किया था, जॉन मार्शल ने किया था, इस वजह से ये पॉइंट राइट हो जाएगा। आगे बात करते हैं, राजसु तथा अश्वमेघ जैसे जटिल यज्ञ किसके द्वारा किए जाते हैं, किसके द्वारा किया जाता है, घरों के मालिक के द्वारा, सरदारों के द्वारा, जनसाधारणों के द्वारा, महिलाओं के द्वारा, तो यहाँ पे गौ पॉइंट राइट हो जाएगा, सरदार तथा राजाओं के द्वारा, ठीक है। आगे बात करते हैं, बौद्ध ग्रंथ और विचारों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सी बात सही नहीं है, तो कौन सी बात सही नहीं है, तो जहां भी नहीं वाले क्वेश्चन आते हैं उसमें मैक्सिमम मैंने देखा है कि 4th वाला पॉइंट सही होता है, ठीक है। तो इस चीज के ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है। तो देखिए क्या लिखा है कि बौद्ध ग्रंथ और विचारों से संबंधित निम्नलिखित से कौन सी बातें सही नहीं है, तो कौन सी, महिलाओं और बच्चों को प्रवचन सुनने नहीं दिया जाता था, ये पॉइंट गलत है, और जो गलत है वही पॉइंट सही हो जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं 11वां की, 11वां क्या लिखा है कि समकालीन बौद्ध ग्रंथों में हमें कितने संप्रदाय या चिंतक परंपराओं का उल्लेख मिलता है, तो कितने का मिलता है, ये मिलता है 64 संप्रदायों का जिक्र देखने को मिलता है, ठीक है। तो घ पॉइंट आपका राइट हो जाएगा। आगे बात करते हैं 12वां, बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन त्रिपिटक में दिया गया है, और त्रिपिटक का मतलब क्या होता है, 3 टोकरियां, ठीक है। इस तरीके से आपका घ पॉइंट इसमें राइट हो जाएगा। आगे, निम्नलिखित में से बिना पिटक में किसका संग्रहण किया गया, यानी किस चीज के बारे में लिखा गया, तो किसके बारे में लिखा गया है, बौद्ध मठों में रहने वाले जो लोग हैं उनके नियमों के बारे में लिखा गया है, इस वजह से क पॉइंट राइट हो जाएगा। आगे बात करते हैं 14वें की, निम्नलिखित में से सूत पिटक में किसका संग्रह किया गया है, किस चीज का संग्रह किया गया है, तो ये बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह किया गया, इसलिए ख पॉइंट यहाँ पे राइट हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं, उपदेशक आजीविक परंपरा के विद्वानों को नियतिवादी कहा जाता है, और इनकी मान्यता क्या थी, इनकी मान्यता क्या थी ये बताना है हमें, ठीक है। तो ये ईश्वर में विश्वास रखते थे, नहीं, ठीक है, और ये भौतिकवाद में विश्वास रखते थे, बिल्कुल नहीं। इनका मानना था कुछ भी पूर्व निश्चित नहीं, ये भी गलत है, ठीक है। इनका मानना था सब कुछ पूर्व निश्चित है, यानी कि घ पॉइंट यहाँ पे राइट हो जाएगा। आगे बात करते हैं, जैन परंपरा के अनुसार महावीर जैन कौन से तीर्थकर थे, तो आपको ये बताना है, तो ये 24वें तीर्थकर थे, तो इसलिए 24वां सही हो जाएगा। आगे 17वां लिखा है कि जैन परंपरा में शिक्षक के लिए तीर्थकर शब्द का प्रयोग किया गया है, इसका क्या अर्थ है, तो तीर्थकर जो शब्द का प्रयोग किया गया इसका क्या अर्थ है, तो वे महापुरुष जो पुरुषों और महिलाओं को जीवन की नदी से पार पहुंचाते हैं, इन्हीं को तीर्थकर कहते हैं, इसलिए ग पॉइंट राइट हो जाएगा। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा जैन धर्म के शिक्षाओं से संबंधित नहीं है, ठीक है, तो हमें ये बताना है। तो जैन धर्म के शिक्षाओं से संबंधित अगर देखा जाए तो पूर्व संपूर्ण विश्व प्राणवान है, ये तो है, पत्थर चट्टान जल में सब में है, सब जीवों के प्रति अहिंसा, ये भी बात सही है, ठीक है। तो और इसके अलावा जन्म और पूर्व जन्म का चक्र पूर्व निर्धारित, ये गलत है, तो इस वजह से आपका ये पॉइंट सही हो जाएगा, ठीक है।
तो मतलब क्या है कि आपका इसका राइट आंसर घ हो जाएगा। जैन साधु तथा साध्वी पांच व्रत करते हैं और निम्नलिखित में से कौन सा इस पांच व्रत में शामिल नहीं है? हत्या न करना, झूठ न करना, तपस्या न करना। ठीक है, तो देखा जाए तो आपका जो 19वें का जो वो है ये हो जाएगा ग ऑप्शन, राइट। ठीक है, यानी कि ये चीज पांच व्रत में शामिल नहीं है। उत्तराध्ययन सूत्र नामक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? कौन से धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, जिनके पिता कौन से कबीले के? शाक्य कबीले के थे। ठीक है, और आगे बात कर लेते हैं। अगला 22वां क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध ने बचपन में अपने रथकार को शहर घुमाने के लिए कहा, तब उन्होंने शहर में कौन से दृश्य देखे थे? और निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। एक वृद्ध व्यक्ति देखा था, बीमार व्यक्ति ये भी देखा था, सन्यासी ये भी देखा था। ठीक है, भिखारी जो है, भिखारी तो नहीं देखा गया था। ठीक है, तो इस वजह से भिखारी नहीं देखा गया था, है ना? तो इस वजह से अगर देखा जाए तो आपका 22वें का जो ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, ये तीन सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि चौथा तो है ही नहीं, तो इस वजह से गलत है। आगे बात कर लेते हैं 23वां। बुद्ध और बौद्ध धर्म से जुड़ी निम्नलिखित बातों में से कौन सा सही है? ठीक है, और निम्नलिखित तथ्यों को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का हमें चयन करना है। तो एक बार देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट लिखा है, सिद्धार्थ ने महल को त्याग कर संन्यास का रास्ता अपनाया था, ये बात सही है। आगे, उन्होंने धर्म तथा सम्यक जीवन की शिक्षा दी थी, ये भी सही है। बुद्ध ने लोगों को विवेक तथा तर्क के आधार पर समझाने का प्रयास किया था, ये भी सही है। बौद्ध दर्शन के अनुसार विश्व अनित्य है और लगातार बदल रहा है, ये भी सही है। यानी कि चारों सही है, इस वजह से घ पॉइंट यहाँ पे राइट हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं 24वें का। 24वां क्या लिखा है, निम्नलिखित तथ्य को ध्यान से पढ़िए। धीरे धीरे बुद्ध के शिष्य का दल तैयार हो गया और इसलिए उन्होंने डैश की स्थापना की, जैसे बुद्ध की संस्था जो धम्म के शिक्षक बन गए थे। तो कौन बन गए थे हमें ये बताना है, तो संघ बन गए थे। ठीक है, इस वजह से आपके घ पॉइंट राइट हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं। अगला है जो अपना, निम्नलिखित तत्व को ध्यान से पढ़िए। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार बुद्ध के प्रिय शिष्य डैश ने बुद्ध को समझाकर महिलाओं को शामिल करने की बात की थी, तो किसने की थी? तो ये आनंद ने की थी। ठीक है, और साथ ही साथ इसका ये अपना हो गया 25 क्वेश्चन, और इसका आंसर जो है, इसका आंसर मैं इस वीडियो के एंड में दिया हुआ हूँ। तो जिन बच्चों को इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक है, और कैसे मिलेगा, 7011192793 पर मैसेज कीजिए और यहाँ से अपना पीडीएफ लीजिए और अच्छे से पढ़िए और सब चीज़ की तैयारी कर लीजिए। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। और बाकी किसी बच्चे को नोट्स वगैरह चाहिए वो भी आपको देखने को मिल जाएगा, वो भी आपको मिल सकता है। चीज़ों को देखिए, पढ़िए अच्छे से, और बाकी यही है। बाकी मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए टेक केयर, बाय बाय।